माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज अपना राठौर। और जिसको भी चेहरा न्यू दिख रहा है जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपको इस चैनल पे बहुत सारी न्यू वीडियोस मिलने ही वाली हैं। और मैं इतने दिनों से अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, आ नहीं रही थी, वीडियोज़ नहीं डाल रही थी, बिकॉज कुछ जरूरी काम था, दैट्स वाई। एंड मैंने अपना न्यू फोन भी लिया है जिससे मैं शूट कर रही हूँ, दैट्स वाई आई एम सो हैप्पी। एंड आज के वीडियो में मैं आपको दिवाली के कुछ आउटफिट्स दिखाना चाहती हूँ। मतलब मेरे पास 5 आउटफिट्स हैं, मैं उन 5 आउटफिट्स को आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा आइडिया ले सको कि हम लोग दिवाली पे क्या पहने क्या नहीं पहने, दैट्स वाई। तो ज्यादा बातें करे बिना जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो माई फर्स्ट ड्रेस इज, दिस इज नॉट अ ड्रेस, इट्स लहंगा। ये लहंगा है, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा एक बार खोलकर। राइट, सो दिस इज द लहंगा, आप लोग ये देख सकते हो। इस पे ये डिजाइन दी गई है, यहाँ पर ये डिजाइन है। एंड यहाँ पर साइड पे आपको चेन भी मिल जाएगी। ये लहंगा आपको दिखा देती हूँ मैं पूरा खोल के, इट्स लुक्स लाइक दिस। ये पूरा, इसमें चुन्नटे वगैरह नहीं दी गई हैं, मतलब ये पूरा फूला हुआ लहंगा है, ना ही इसमें कैन कैन वाला है। ये ना मेरी एक कजिन सिस्टर है, उन्होंने हमको ये सिल के दिया था बहुत पहले, तो हमने इसको सोचा हम लोग इस पे दिवाली को पहन सकते हैं इसको, सो दैट्स वाई हमने इसको निकाल लिया था। हमने मीन्स मेरी पूरी फैमिली ने, मेरी सिस्टर और मैंने। एंड नीचे इसके बॉर्डर पे जो है ये डिजाइन दी गई है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्यूटीफुल सी डिजाइन दी गई है। एंड ये बहुत ही ज्यादा सिलिकॉन टाइप का कपड़ा नहीं होता, वो जो सिल्क वाली साड़ियां होती है ना, बनारसी वाली, सेम वही वाला कपड़ा है इसका। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, जब आप इसे पहनते हो ना, वेयर करते हो, मैं आपको साइड में वीडियो भी दिखा दूंगी इसकी, आप जब इसको वेयर करोगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, इट्स लाइक दिस। ऑलराइट, सो इसके साथ में जो ब्लाउज है वो ऐसा है, ब्लाउज का नेक मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। दिस इज द ब्लाउज जो आप देख सकते हो, इस पर कितनी सुंदर डिजाइन दी गई है। एंड इट्स लुक्स लाइक दिस, पीछे से भी आपको मैं दिखा देती हूँ, पीछे से ये ऐसा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप इन दोनों को पेयर अप करते हो ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये उन्होंने अलग से कपड़ा लेके सिला था, ये हमने साड़ी दी थी फिर उन्होंने इसमें से सिला था, बट बोथ द क्लोथ्स आर वेरी वेरी गुड। आप जब भी पहनोगे बहुत ही ज्यादा एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल लगोगे, एंड दिवाली के लिए ये कलर बेस्ट। ऑलराइट, सो इसके साथ ये था इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी बहुत ज्यादा अच्छा है, नेट का मटेरियल है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप देख सकते हो सिर्फ सिल्वर जो है, सिल्वरी नॉट सिल्वर, इट्स गोल्डनिश टाइप की वो दिया गया है डिजाइनिंग थोड़ी बहुत, सो इट्स लाइक दिस। ऑलराइट, सो दिस इज माई फर्स्ट आउटफिट जो कि आप लोगों को वीडियो में भी दिख रहा होगा, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप इसको वेयर करोगे दिवाली पर, सो दैट्स वाई ऐसे आउटफिट्स आपको लेने चाहिए। सो माई नेक्स्ट आउटफिट इज दिस लहंगा। ये लहंगा बहुत ही अच्छा है, ये भी हमारी एक मतलब मैटरनल आंट है मेरी, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। ये देखो, ये लहंगे पे ये वाली डिजाइन दी गई है, ये डिजाइन आपने बहुत जगह देखी भी होगी, बहुत मतलब ओल्ड वाइब्स देगी आपको, बहुत पहले मैं देखा करती थी। एंड यहाँ पर इसकी ये वाली डिजाइन दी गई है, ये देखो, ये मिरर का काम किया गया है। एंड यहाँ पर नीचे बॉर्डर भी इतना ब्यूटीफुल सा दिया हुआ है। एंड ये पूरे नेट का है, अंदर इसकी जो है वो भी एक नेट का है, एंड उसके अंदर एक व्हाइट कलर का, सॉरी व्हाइट नहीं, पिंक कलर का एक अंदर से पूरा वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द लहंगा, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा अगर आप इसे वेयर करोगे तो, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये ऊपर से पूरा प्लेन दिया गया है, एंड इसमें जो वो होती है ना कलियां, छोटी छोटी कली निकाल के, जो अनारकली वाले ड्रेस होती है ना, बिल्कुल वैसा वाला सिला गया है। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स करके, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स करके फिर इसको सिला गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा दिख रहा होगा आपको। एंड इसके साथ जो ब्लाउज है वो हमें मिला था, बट वो हम लोगों ने सिलवाया नहीं अभी तक, तो हमने ये मार्केट से जाके ये वाला ब्लाउज लिया था इसके साथ के लिए, क्योंकि इसके साथ ब्लैक ही ब्लाउज वो होगा, तो हमने ये वाला मार्केट से ब्लाउज लिया था इसके साथ। ये आपने मार्केट में बहुत जगह पर देखा होगा, लाइक यहाँ पर देखो इसके कितना सुंदर से ये वर्क किया हुआ है, मतलब फ्रिल्स दी गई हैं छोटी छोटी, एंड यहाँ से ऊपर की साइड से पूरा नेट का है, एंड पीछे से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। पीछे ये थोड़ी जगह पर ये कपड़ा लगाया हुआ है, एंड देन ऊपर का पार्ट फिर से नेट का है। एंड ये रस्सी नॉट बैक वाली जो चीज होती है ना वो, सो दिस इज द ब्लाउज। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है जब आप पहनते हो तो, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी साइड पे। एंड इसके साथ का दुपट्टा भी बहुत ज्यादा अच्छा है, दुपट्टे का जो बॉर्डर है वो भी आप देख सकते हो, कितना सुंदर बॉर्डर है दुपट्टे का, ये पूरा बॉर्डर दिया हुआ है।
एंड ये भी पूरा नेक का है, पूरा ये दुपट्टा सबसे ज्यादा बड़ा है इसका, बहुत ज्यादा बड़ा है। सो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, आप ये पूरी ड्रेस को वेयर करोगे तो, आपको वीडियो दिखा दूंगी, वीडियो में मैंने वेयर कर रखा है ये, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, तीनों चीजें एक साथ बहुत अच्छी लगती है। एंड मे बी इन फ्यूचर हम इसका ब्लाउज भी सिलवा लेंगे। इसका ब्लाउज जो है वो बहुत ही ज्यादा, जो वो नहीं होता नायलॉन जो कपड़ा होता है उसके कपड़े में है ये, बट इसके साथ भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जो आप वीडियो में देख भी सकते होंगे। ऑलराइट, सो मूविंग टूवर्ड्स माई नेक्स्ट आउटफिट, दिस इज लाइक अ गाउन जो की बहुत पहले नहीं, बहुत मतलब लिया था हमने ये वाला गाउन, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो इसकी डिजाइंस, इतनी सुंदर डिजाइन दी गई है इसमें, ऊपर की साइड पर डिजाइन दी गई है, ये पूरा नेक का पार्ट है, बट ये नेक के जो ये साइड पर दिया हुआ है ये पूरा नेट का है, आप देख सकते हो ये नेट का है। एंड इसके अंदर जो ये है, ये स्लीव्स ये लगी हुई नहीं आई थी, हमने लगवाई थी बिकॉज मम्मा ने बोला था इसको लगवा लो तो ज्यादा ये अच्छा लगेगा। अरे ठीक है, ऑलराइट, सो ये पूरा बहुत बड़ा है ये नीचे से, तो हम लोग, हमको बहुत ज्यादा बड़ा आता है ये, तो हम बीच में इसके एक बेल्ट वगैरह लगा लेते हैं, जो ये आपको पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर हम बेल्ट लगा लेते हैं, एंड देन इसको थोड़ा अपर की साइड कर लेते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी, आपको पूरा दिख रहा होगा, एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये बटन्स लगे हुए हैं पूरे, बटन्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर, एंड इस पर छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं। इस फ्लावर्स की वजह से इस ड्रेस की जो लुक था बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था, ये पूरी ड्रेस में ये फ्लावर्स फैले हुए हैं पूरी ड्रेस में है, वो दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ी ड्रेस लगती है मुझे, बहुत ज्यादा बड़ी, जो आपको दिख भी रही होगी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड नीचे का बॉर्डर मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि प्लेन रेड कलर का बॉर्डर है इसका, ये देख सकते हो आप, प्लेन रेड कलर का बॉर्डर है। एंड इसके अंदर जो है, इसके अंदर सिर्फ एक कपड़ा है, एक ही क्लोथ दिया गया है इसके अंदर, हाँ एक ही क्लोथ है इसके अंदर, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड बैक की डिजाइन मैं आपको दिखा दूँ, बैक से ये डिजाइन दी गई है, बैक में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे सर्कल वाला इसका नेक है, एंड बैक में ये डिजाइन दी गई है, एंड सेम पीछे में ये जो फ्लावर्स हैं ये पीछे नहीं आएंगे, फ्लावर्स सिर्फ आगे आगे आएंगे। तो ये आप अगर गाउन वगैरह पहनना चाहते हो दिवाली पर तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड रात के टाइम पे तो ये ड्रेस की जो ये डिजाइनिंग है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई आपको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसके साथ जो दुपट्टा है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा, इस दुपट्टे की वजह से तो मुझे लग रहा है शायद मम्मी ने ये लिया हो, इस दैट्स व्हाई, क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये देखो कितना सुंदर दुपट्टा, आप इसकी ये देखो डिजाइनिंग देखो, एंड इसकी जो ये बीच की डिजाइन दी गई है, एंड ये कढ़ाई की गई है, आप देख सकते हो कढ़ाई की गई है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा, और ऊपर से ये इतना बड़ा भी है, तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। एंड जब भी आप इसको ऐसे करके वेयर करोगे तो कितना एलिगेंट लुक दे रहा है, एकदम रिच वाइब्स दे रहा है, तो आपको ये मस्ट, मैं बोल रही हूँ आपको लेना ही लेना चाहिए दिवाली के लिए, ये आउटफिट बेस्ट आउटफिट है, मे बी मैं ये दिवाली पर पहन सकती हूँ। आप लोग मेरा दिवाली वाला ब्लॉग जरूर देखना, जो कि नेक्स्ट वीडियो है मेरी। ऑलराइट, सो माई नेक्स्ट आउटफिट जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब ये मम्मी की एक साड़ी थी जिससे मुझे ड्रेस बनवानी थी, तो हमने एक लहंगा बनवाया है इससे, जो आप देख सकते हो ये है वो, अरे उल्टा दिखा रही हूँ। ऑलराइट, ये पूरा मतलब नेट की मम्मी की साड़ी थी जिसके अंदर हम कपड़ा लेकर आए थे, तो हमने इसके अंदर ये वाला कपड़ा लगवाया, एंड देन ये हमने बनवाया था, बहुत ही ज्यादा सुंदर, ये एक लहंगा है एंड उसके ऊपर एक कुर्ती है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। ये हमने बनवाया था, एक आंटी ने बनाया था हमारे लिए, मतलब वो टेलर नहीं है, उन्होंने बनाया था बट हमारे लिए। तो ये देखो, ये इसमें साड़ी पे ये डिजाइन दी गई थी, एक ही डिजाइन थी जो के पल्लू पे थी साड़ी के, तो फिर हमने ये डिजाइन यहाँ पे लगवाई है। ये देखो आप देख सकते हो इसकी पूरी डिजाइन, जो कि आपको वीडियो में भी दिख रही होगी, जिसमें वीडियो में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी ये, तो आप ये देख सकते हो इसका जो नेट का है उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए, ये चीज तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये देख सकते हो आप, ये पूरा लहंगा है, अरे दिस इज द लहंगा। ऑलराइट, सो अब मैं इसका वो दिखा देती हूँ, ऊपर की कुर्ती जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है, कुर्ती का नेक मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, तो ये देखिए ये स्क्वायर नेक है इसका, जो कि ऐसा दिखता है, आपको दिखा दूंगी। ऑलराइट, सो उसकी स्लीव्स जो है उसमें हमने क्लोथ नहीं लगवाया, ये नेट की है पूरी, एंड ये इसका पूरी ड्रेस है। जो आपको ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, इन फ्लावर्स में कहीं कहीं पर इसमें बीच बीच में ये मोती वगैरह भी दिए हुए हैं, नॉट मोती, इट्स लाइक छोटे छोटे वो नहीं होते डॉट्स वाले वो चीज। ऑलराइट, सो इसके नीचे की साइड में ये बॉर्डर लगाया हुआ है, ये पूरी कुर्ती टाइप है, आप देख सकते हो ना, जैसे ये हो गई स्लीव्स एंड इट्स लुक्स लाइक दिस। ऑलराइट,
एंड नीचे ये डिजाइन दी गई है इसमें, डिजाइन नॉट इट्स अ बॉर्डर, ऑलराइट। सो ये बॉर्डर दिया गया है इसके साथ में जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। पहली बात तो ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, तो ये ड्रेस तो मुझे ऑब्वियसली पसंद आनी ही थी। और उन्होंने इसको इतने अच्छे से बनाया था ना, तो मैंने इसको पेयर अप किया था, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे दोनों। आप लोग इसके ऊपर कोई भी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी पहन सकते हो, क्योंकि ज्वेलरी क्योंकि इसका जो नेक है वो स्क्वायर शेप का है, तो ज्वेलरी भी आपकी इसमें बहुत ज्यादा एलिगेंट लुक देगी, रिच वाइब्स देगी। बिकॉज कलर जो है वो ब्लू कलर है, आप देखो दिख ही रहा होगा ब्लूइश कलर है पूरा, जो आपको सी ब्लू दिखता है ना वो वही वाला कलर है इसका। दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी आप पर। तो आपको ये दिवाली पर जरूर पहनी है, आपको नहीं पहनी मतलब ऐसी ही आपको लेनी है, फिर आप पहन सकते हो। सो मूविंग टुवर्ड्स माय लास्ट आउटफिट जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मेरी दी की ड्रेस है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद है, उसने अपनी ये दिवाली के लिए लिया है, जो कि आप देख सकते हो ये इसके ऊपर की साइड में ये इसकी नेक है जो कि पूरी हाई नेक दी हुई है, एंड ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा, एंड इसके अंदर का जो कपड़ा है वो ब्लू कलर का है, जो जो भी आपको दिख रहा होगा शायद मे भी दिख रहा होगा। एंड इसके ऊपर में ये वाली वो दिया हुआ है बॉर्डर वाली, जो आपको वो नहीं होता जो ग्लू स्टिक से चिपका लेते हैं वही वाला वो चिपका रखा है इन लोगों ने यहाँ पर। एंड इसके पीछे में इस नेक के ही पीछे की साइड में ये दिया गया, ये नॉट दी गई, आपको नॉट लगा लोगे तो आप इसको टाइट कर लोगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड ये स्लीवलेस है जो आपको दिख रहा होगा, स्लीवलेस है ये ड्रेस, दिस इज अ ड्रेस। एंड यहाँ पर सेंटर में भी आपको सेम डिजाइन दी गई है, सेम बॉर्डर दिया गया है जो कि आपको ऊपर की साइड दिया गया था। एंड इस पे जो फ्लावर्स बने हुए हैं छोटे छोटे रोजेज हैं, ब्लैक रोजेज होते हैं ना वही है ये ब्लैक रोजेस, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये पूरी एक ड्रेस है जो कि हाफ नीज तक आपके आ जाएगी, ये मतलब मेरी भी नीज तक आ रही थी। एंड इसके अंदर आप लोग अगर घर पर पहन रहे हो दिवाली पे तो आप लोग इसके अंदर कोई भी पजामी वगैरह वेयर कर सकते हो, वरना अगर आप बाहर भी जा रहे हो उसको पहनकर दिवाली वगैरह पर तो आप इसको पहन सकते हो ऐसे ही। ऑलराइट, सो इसके साथ में ये है और ये ड्रेस पूरी नीज तक आती है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहां तक है, ये ब्लू कलर का कपड़ा है एंड यहां से ये बीच में कट होना शुरू हो जाती है, जैसे ये बॉर्डर इसका स्टार्ट होता है ये नीचे से कट होना शुरू हो जाती है एंड यहां तक ये आता है। एंड इसकी ड्रेस जो है ये पूरी यहां तक आ रही है, ऑलराइट। सो ये पीछे से पूरी बड़ी होती है, बस आगे से ये यहाँ पे ये कपड़ा खत्म हो जाता है तो ये नीज तक आती है, दैट्स व्हाई। बट ये बहुत ही ज्यादा रिच लुक क्रिएट करती है, आप लोग दिवाली पर किसी के भी घर पर आप लोग इसको पहन के जा सकते हो, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगोगे। सो दिस इज द ड्रेस जो कि आपको दिवाली पर जरूर लेनी चाहिए, ऐसी ड्रेसेस आपको लेनी चाहिए एंड इट्स लुक लाइक दिस। सो आप लोग दिवाली पर ऐसी ड्रेसेस पहन सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा रिच लुक क्रिएट करेंगी आप पे एंड आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगोगे। सो विच आउटफिट डू यू लाइक द मोस्ट, मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। एंड आप अपने दिवाली पे कौन सा आउटफिट पहनने वाले हो जरूर बताना मुझे। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज मैं अपने लाइफ से रिलेटेड वहां पे बहुत सारी चीजें पोस्ट एंड अपडेट करती रहती हूँ। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से यू दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल नेवर मिस द अपडेट्स रिलेटेड टू माई वीडियोज। एंड Love you a lot, guys. Bye-bye.